चलो तो कंप्यूटर के स्टूडेंट हो गए, कंप्यूटर दिवस के बारे में बोल पे तो काम महात्मा गांधी के बारे में बोल पे। चलो उठा कार्यक्रम में गए हैं, पहले उस अपना आप परिचय दीजिए, परिचय देने के बाद अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन देने के बाद तब आप अपनी स्पीच दीजिए, और स्पीच चाहे दो लाइन की हो लेकिन जो हो एकदम बेहतर हो। ये हेलो सो गाइस, वेलकम टू आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आप सब लोग को कंप्यूटर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आज है 2 दिसंबर, कंप्यूटर दिवस जिस दिन मनाया जाता है। तो गाइस अब हम चल रहे हैं अपने कोचिंग, क्योंकि गाइस कोचिंग में कंप्यूटर दिवस हमारे मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मतलब स्पीच देना पड़ेगा। तो अभी हमारे कुछ स्पीच भी मैंने रेडी भी नहीं किया है, तो अभी वहीं पर चल के कोचिंग में ही बैठ के वहाँ पर अपना स्पीच तैयार कर लेंगे, 2 लाइन 4 लाइन जो भी सुनाएंगे अपना। बहुत कुछ लिखा है अपनी माँ के बारे में, पर पापा आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पापा आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ अगर जन्नत सुमित तो आप जन्नत के भगवान हैं, माँ अगर खीर तो आप मीठे पकवान हैं, माँ है आयत तो आप पूरी कुरान हैं, लव यू पापा तुझमें बस्ती मेरी जान है, तुझमें बस्ती मेरी जान है, बचपन से लेके आज तक ऐस कराई, खिलौनों की दुकान मेरे रूम में सजाई, याद जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पापा तूने उधार पकड़ के मुझे बाइक सी दिलाई, फिर एकदम चढ़ा मुझे संगीत का बुखार, जिद मेरी दिला दो इंस्ट्रूमेंट मुझसे प्यार, 2000 पर बैंक अकाउंट में थे तेरे तूने सारे पैसे निकाल के मुझे ले दी गिटार, अब बूढ़ा हुआ जिस्म उनका और धूप में काम है, सुबह से लेके शाम तक उन्हें कोई ना आराम है, इस उम्र में भी मजदूरी करके घर चलाना कोई जंग से कम नहीं पापा तुझे सलाम है, सच कहूँ उस रब से ज्यादा करूँ तेरा जाप, दुनिया जाए भाड़ में मेरा सब कुछ हो आप, जितनी बार भी लूँ मैं धरती पे जन्म को ही बना के भेज ना तू मेरा बाप, लड़खड़ाई करती किस्मत की तूने हर बार संभाला है, बंदे के लिबास में खुदा है वो जिसने मुझे पाला है, फकीरों जैसी हालत की खुद पे तरस ना आता है, ले दिया महंगा फोन खुद टूटा हुआ वो चलाता है, खाता निखाना वक्त पे हमारे लिए करता खुश रहने का नाटक असल में आंसू बहाता है, कड़ी धूप में काम करके क्यों चमड़ी को जलाया पापा, मेहनत का खा के दीना तूने ही सिखाया पापा, माना तेरी आंखों की कम हो गई रोशनी, रोशन मंजिल का रास्ता तूने ही दिखाया पापा, ना जाने क्यों रहता तुझे खोने का डर, टूट चुका हूँ अंदर से याद आता अपना घर, अब सजदे में करता बस एक फरियाद तेरी, आने से पहले मौत चूम ले मेरा सर, भूला नहीं तेरी सारी बातें मुझे याद है, तू मिले कल रख तेरे बाद रातों बातों में तुझे ख्याल, तू मेरे साथ तो गम भी कमाल, रूह के रिश्ते हैं जिस्म से ऊपर कोई अलग करे क्या उसकी मजार। बहुत अच्छा कर रहा हूं इस 16 साल के संस्थान में, ना जाने कितने स्टूडेंट खुले कितने बंद हुए, ऐसे खुलते रहते हैं 4-6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, ढेर सारा लुभावना दे कर कि आइए हमारे यहाँ फ्री एडमिशन है, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, टोटल बिजनेस बना के अगर कोई चीज पढ़ाया जाएगा तो सक्सेस बच्चे नहीं होंगे, अगर उसको ये पढ़ाया जाएगा कि लड़का अगर आ रहा तो कुछ कामयाब बने, काबिल बने, अगर आप काबिल रहेंगे तो कामयाब निश्चित बन जाए, ये नहीं पता लगा कि हम उसको लुभावना देकर बस एडमिशन कर लिए बाद में खत्म। हमारे यहाँ के सिस्टम है कि जो भी लड़का, आप लोग तो करंट के स्टूडेंट ही हो, आपसे पहले जो भी गुजर चुके हैं बच्चे, आज के कितने दिन पहले, 10-10 साल, 12-12 साल, 15 साल पहले, वो भी अभी मिलते हैं तो वही संस्कार वही आचरण है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को लेटेस्ट से लेटेस्ट सीख जाए, ऐसा कुछ छूटे ना कि हम बताएं ना, अगर हम बेहतर बता रहे हैं तो लड़का कहीं भी जाएगा तो उसको कोई फेल नहीं कर सकता, अगर हम पता लगा कुछ चीज़ें हमें ही नहीं नॉलेज है तो हम बच्चों को क्या बताएंगे, तो ऐसे सारे संस्थान होते हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, अभी करंट में ही है कि हम सर वहाँ गए थे कुछ दिन पढ़े वहाँ चले आए, ये था वो था, तो ये सारी संस्थान मतलब बच्चे को जानकारी नहीं हो पाती तो गलत जगह चले जाते हैं, तो जिसको भी आप लोग गाइड करिए, बेहतर से बेहतर बताइए कि कहाँ पढ़िए क्या करिए, अगर आप सही ढंग से आप सलाह दे रहे हो किसी को तो निश्चित है कि वो सही जगह जाएगा और आपका कहीं ना कहीं नाम रोशन करेगा, क्योंकि क्या है कि आप अगर आप अपने घर के बड़े हो, आपका आचरण और विचार सब अच्छा है, तो आपके छोटे वाले जो भाई बहन रहेंगे वो आपको ही देख के अच्छा आगे बढ़ेंगे, तो सही संस्कार होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, वो पूरी तरह से
पता लगा कभी छू लिए तो छू लिए, लेकिन आपको संस्कार होना चाहिए कि आप सुबह मॉर्निंग उठो या कहीं निकलने लगो तो माता पिता का पैर जरूर छूइए। कितने बच्चे छूते हैं इसमें, कोई छूता है? पांच बच्चे, मात्र पांच बच्चे छूते हैं। बताइए आप लोग को संस्कार नहीं मिल रहा? मैं मानता हूं कि आने वाली जो पहले वाली पीढ़ी थी वो पीढ़ी पढ़ी नहीं थी, लेकिन आपको तो पढ़ने का समय उनके द्वारा मिल रहा है, तो आप सबसे पहले उठिए। क्योंकि अगर हम भगवान को पूजा करना है तो सबसे पहले हमारे भगवान माता पिता ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें सभ्यता आचरण चालुक्य में बैठने का जो भी गुण मिलता है उन्हीं के माध्यम से मिलता है। तो सबसे पहले तो आप उठना चाहिए, तो माता पिता का पैर स्पर्श करना चाहिए। अगर आप नहीं तब कर रहे हो तो आप जब निकलने लगो, पढ़ने जाने लगो या कहीं जाने लगो तब करना चाहिए। ये सब संस्कार है। और बाकी शिक्षा को महत्व दीजिए और अपने टाइम को उचित समझिए। बाकी इसी वाणी से मैं इसी वाक से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का।